स्लिम एंड स्टाइलिश स्मार्टफोन अंडर 40,000। तो भाई अगर आपको स्लिम एंड स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहिए एंड अगर आपका बजट 40,000 है, 40,000 के बजट रेंज में आपको कैमरा भी अच्छा चाहिए, डिज़ाइन भी अच्छा चाहिए, स्लिम एंड स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहिए एंड अगर आप गेमिंग वगैरह भी करना चाहते हो, सभी के लिए स्मार्टफोन बताऊंगा, ज़्यादा समय खराब नहीं करते। बात करते हैं नंबर फाइव की बात करूँ, नंबर फाइव पर यार मैंने रखा MI 10T Pro को। तो MI की ओर से आपको देखने को मिल जाता है 5G स्मार्टफोन है, फोन बहुत ही ज़्यादा सही है एंड इसके कलर लुक वगैरह भी आपको बहुत पसंद आने वाले। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दो कलर्स में देखने को मिलता है, ब्लैक कलर में एंड सिल्वर कलर में। अगर मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूं, आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को आती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिल जाती है। फ़ोन जो है वो सॉलिड है, एल्युमिनियम फ्रेम के साथ देखने को मिलता है। अगर गिर भी जाता है तो ख़राब वगैरह नहीं होने वाला, आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। दो वेरिएंट में फ़ोन देखने को मिलता है, 6GB रैम के साथ एंड 8GB रैम के साथ। स्टोरेज वेरिएंट आपको एक देखने को मिलेगा, मतलब आपको 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है। आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, 64MP प्लस 30MP प्लस 5MP, जिस पर आप 8K वीडियो शूट कर सकते हो एंड 4K शूट भी कर सकते हो। आपको तगड़ा चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के साथ देखने को मिलता है, बहुत तगड़ा। अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है आप सभी के लिए भी परफेक्ट डील होने वाला है। प्लस अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हो आप कर सकते हो, 7nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। मैं सेल्फी आपको बताना भूल गया, आपको सेल्फी 20MP मिल जाती है लेकिन आपको 4K ऑप्शन तक भी नहीं देखने को मिलता, जो कि थोड़ा सा माइनस पॉइंट आ जाता है। अभी बात करते हैं बैटरी की, 5000mAh की बैटरी मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग की बात करो, आपको 33W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन में। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए MI 10T Pro के, अगर आप इस स्मार्टफोन की ओर जाना चाहते हो आप जा सकते हो। स्मार्टफोन ये भी पूरा आपको लोडेड देखने को मिल जाता है, तो MI लवर आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। अभी अगर आपका बजट 40,000 है आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर फोर की बात करूँ, नंबर फोर पर यार मैंने रखा IQ 003 को। तो सबसे पहले भी मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको 5G स्मार्टफोन तो मिल ही जाता है, उसके साथ साथ भी अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है, हाई सेटिंग पे अगर आपने गेमिंग करनी है तो भाई आप कर सकते हो। 40,000 के बजट रेंज में आपको 12GB रैम के साथ देखने को मिलेगा, तो इसके स्पेसिफिकेशन भी बहुत ही ज़्यादा तगड़े हैं एंड ये इसका डिज़ाइन लुक वगैरह भी बहुत अपर है। ये 3 कलर्स में देखने को मिलता है लेकिन जो इसका ऑरेंज कलर आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसको बहुत सूट करता है। 2020 में बहुत ये स्मार्टफोन बिका है, बहुत लोगों ने पसंद किया। अगर मैं इसके चिपसेट की बात करूं, आपको स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 7nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलती है एंड इसके बिल्ड क्वालिटी की भी बात कर लेते हैं तो एल्युमिनियम फ्रेम के साथ देखने को मिलता है, ग्लास बैक के साथ मिलता है, मतलब भाई अगर गिर भी जाता है तो ख़राब वगैरह नहीं होने वाला, टूटने नहीं वाला। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये 5 वेरिएंट में देखने को मिलता है, 6GB रैम के साथ, 8GB रैम के साथ, 12GB रैम के साथ एंड जो स्टोरेज वेरिएंट है वो आपको डिफरेंट देखने को मिल जाता है। आपको क्वाड कैमरा स्टार्टअप मिल जाता है, 48MP प्लस 30MP प्लस 30MP प्लस 2MP, जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। अगर मैं सेल्फी की बात करूं, आपको 60MP सेल्फी मिल जाती है लेकिन आपको सेल्फी में 1080p ऑप्शन मिलता है, आपको 4K ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। 4400mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग की बात करूं, आपको 55W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिए IQ 003 के, अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। ये स्मार्टफोन भी आपको बहुत ही ज़्यादा अपर मिल जाता है, 2020 में बहुत क्रिएटर्स ने इनको पसंद किया। तो भाई अगर आप भी लेना चाहते हो आप जा सकते हो इस स्मार्टफोन की ओर। अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है, गेमिंग करनी है, अगर आपको स्लिम एंड स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहिए, आप सभी के लिए भी परफेक्ट डील हो सकता है IQ 003। आगे बात करते हैं नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है OnePlus 8 को। तो भाई अगर आप OnePlus लवर हो आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूं, सबसे पहले भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं ये स्मार्टफोन भी आपको 5G देखने को मिलता है। कलर लुक डिज़ाइन वगैरह आपको इसका भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये भी स्मार्टफोन जो है वो 4 कलर्स में देखने को मिलता है लेकिन इसको ग्रीन कलर सच में बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। प्लस आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, एल्युमिनियम फ्रेम के साथ देखने को मिलता है। आपको फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि 90 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है एंड अगर मैं बात करूँ इसके चिपसेट की तो इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है जो कि 7nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। अगर आपने हाई सेटिंग पे गेमिंग करनी है आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो। ये स्मार्टफोन दो वेरिएंट में देखने को मिलता है, 8GB रैम के साथ एंड 12GB रैम के साथ। जो भी वेरिएंट में आप जाना चाहते हो आप उस
की ओर जा सकते हो। आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 48 मेगापिक्सल प्लस 60 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो 30 एंड 60 FPS पर। ठीक है, आपको 60 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी मिल जाती है जिस पर आप 1080p पर वीडियो शूट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसके बैटरी की तो आपको 4300mAh की बैटरी मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग की बात करूँ आपको 30W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है OnePlus 8 में। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए OnePlus 8 के भी, प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ OnePlus 8 हो गया एंड IQ003 हो गया, इसको बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पसंद किया 2020 में, बहुत स्मार्टफोन ये बिके हैं। तो भाई अगर आपने इन स्मार्टफोन्स की ओर जाना है, आप इन स्मार्टफोन्स की ओर जा सकते हो, आप लॉन्ग टाइम पर रख सकते हो। अगर आपने गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए, डिस्प्ले अच्छी चाहिए, आप सभी के लिए ये दोनों स्मार्टफोन परफेक्ट हो सकते हैं। अभी ज़्यादा समय खराब नहीं करते, नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नंबर 2 की बात करूँ, नंबर 2 पर यार मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE की। तो यार अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूँ तो यार ये 6 कलर्स में देखने को मिलता है, सभी कलर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। एंड ये स्मार्टफोन मुझे खुद को बहुत पसंद है भाई, अगर मेरा बजट 40,000 होता तो भाई मैं सैमसंग गैलेक्सी S20 FE की ओर जाता, बिकॉज 5G स्मार्टफोन है, डिज़ाइन लुक वगैरह बहुत अपर है, चिपसेट तगड़ा मिल जाता है। अगर आपने हार्ड कोर गेमिंग करनी है, आप इजिली नॉन भी कर सकते हो। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ तो इसकी जो कैमरा क्वालिटी है ना, वो बहुत तगड़ी। अगर आपको कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए, सैमसंग गैलेक्सी S20 FE आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है, आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। आपको 4K ऑप्शन मिल जाता है बैक कैमरे में, एंड फ्रंट कैमरे में भी आपको 4K ऑप्शन मिल जाता है। भाई और क्या चाहिए, अगर आपने व्लॉगिंग करनी है, रील्स बनानी है, टिकटॉक बनानी है, फोटोज़ क्लिक आउट करनी है, सेल्फी क्लिक आउट करनी है, आप सभी के लिए परफेक्ट डील होने वाली है। अभी बात कर लेते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा डीपली बात कर लेते हैं। तो यार डिस्प्ले की बात करूँ, इसमें आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। तो सैमसंग के फोन्स की खासियत होती है इनकी डिस्प्ले, इनकी बैटरी लाइफ एंड इनका प्राइवेसी सिस्टम। अगर मैं चिपसेट की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है, जो कि 7nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। अगर मैं वेरिएंट की बात करूँ तो यार ये स्मार्टफोन 3 वेरिएंट में देखने को मिलता है, 6GB RAM के साथ एंड 8GB RAM के साथ। जो भी बजट में सेट बैठता है आप उसके और जा सकते हो। आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल, ठीक है पहले गलत बोलने लगा था। आपको 4K ऑप्शन मिल जाता है बैक कैमरे में, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, सेल्फी में भी आपको 4K ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 25W के साथ, प्लस आपको वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है 15W के साथ, एंड रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए सैमसंग गैलेक्सी S20 FE के भी, तो भाई आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। अगर आपको डिज़ाइन कलर वगैरह मैटर करते हैं, स्पेसिफिकेशन भी तगड़े चाहिए, कैमरा क्वालिटी भी आपको तगड़ी चाहिए, एंड अगर आपका बजट 40,000 है, इस बजट रेंज में सैमसंग गैलेक्सी S20 FE बहुत ही ज़्यादा अपर स्मार्टफोन चला जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। आगे बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 की बात करूँ, नंबर 1 पर यार मैंने रखा है असूस रॉग फोन 3 को। तो सबसे पहले भाई मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, पहले इसका प्राइस 50,000 देखने को मिलता था, लेकिन अभी इसका प्राइस कम हो गया, बिकॉज असूस रॉग फोन जो 5 है वो लॉन्च हो गया, इसका प्राइस कम हो गया, आपको देखने को मिल जाता है 40,000 के बजट रेंज में। वैसे इसका प्राइस है 41,000, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अभी बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। डिस्प्ले की बात करते हैं तो आपको 6.59 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है, प्लस गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलती है, एल्युमिनियम फ्रेम के साथ देखने को मिलता है। बैक साइड में आपको RGB लाइटिंग देखने को मिल जाती है, एयर ट्रिगर देखने को मिल जाती है, मतलब इसके स्पेसिफिकेशन बहुत है, गेमिंग के लिए परफेक्ट स्मार्टफोन है, सीधी सी बात है यार। चिपसेट की बात करूं, आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है, जो कि 7nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये स्मार्टफोन आपको 5 वेरिएंट में देखने को मिलता है, 8GB RAM के साथ, 12GB RAM के साथ एंड 16GB RAM के साथ। एंड आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 64MP प्लस 30MP प्लस 5MP, पहले 2MP बोलने लगा था। आप 8K वीडियो शूट कर सकते हो एंड 4K वीडियो शूट कर सकते हो। बैक कैमरे में 24MP के साथ आपको सेल्फी मिल जाती है, सेल्फी में आपको 4K ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। आपको 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है। फास्ट चार्जिंग की बात करो, आपको 30W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। प्लस ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए परफेक्ट है, आपको लाइक कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि आपके स्मार्टफोन को हीटिंग इशू में नहीं जाने वाला। अगर आप हार्डकोर गेमिंग करोगे तो वो हीट नहीं होने वाला।
इंशाल्लाह जल्दी जितनी भी आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है आप कर सकते हो, बिकॉज जो स्मार्टफोन है वो बना ही गेमिंग के लिए, बना ही मल्टीटास्किंग के लिए। तो यार अभी मैंने आपको इतने स्मार्टफोन बता दिए, तो यार अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए ASUS ROG Phone 3 आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। एंड भाई अगर आपको एक स्लिम स्टाइलिश डिज़ाइन चाहिए एंड स्पेसिफिकेशन कैमरा वगैरह भी आपको अपर चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ सैमसंग गैलेक्सी S20 FE आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है अगर आपका बजट 40,000 है। तो यार अभी मैंने आपको इतने स्मार्टफोन बता दिए, जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि जानको कर सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक करें, इंस्टाग्राम पर कर फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरे वीडियो के साथ। थैंक यू।